आपने इस बीच में सुना कि भोजपुरी का पहला रैप सॉन्ग आ गया है? नहीं सुना? अरे उस गाने के बोल यही है, ठीक है सुना? नहीं सुने हैं आप लोग? अरे तो क्या सुने हैं? अगर वो नहीं सुने हैं तो क्या सुने हैं? तो आज ही सावन या गाना जो भी ऐप आप यूज करते हैं गाना सुनने के लिए, उस पर जाइए और उसमें ढूंढिए ठीक है, ऐसे करके मिसारी लाल यादव नाम है, यही नाम है ना? कौन सा लाल? खेसारी। हाँ खेसारी, खेसारी लाल यादव नाम का सिंगर है। और बढ़िया, मैं तो उसकी पंक्तियां समझने का बड़ा प्रयास कर रहा था, बाद में समझ में आ भी गया। उसमें रसाघात बहुत सारा है। कहानी ये है कि लड़का कहाँ का रहने वाला है? छपरा। कहानी की शुरुआत इस बात से होती है कि अब जो होगा तो होगा, लेकिन छपरा लौट के नहीं जाएंगे हम, क्योंकि वहां बहुत सुताई हुई थी हमारी। तो छपरा में प्रेम प्रसंग चला, तो वहां मार पिटाई हुई दोनों घरों के बीच में, तो वहां से भाग के आ गया। और जो सूत्र वाक्य है गीत में वो है कि नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग ही बिताएंगे। अब हम जिंदगी साथ ही बिताएंगे, लेकिन नून मतलब नमक, नमक रोटी खा लेंगे लेकिन। और उसमें एक प्रसंग बता रहे कि एक बार वो मिलने गया तो वहां से बुलावा आया, देह में जुनून भइल। देह में जुनून था, गया नाई के साथ मिलने के लिए, काट लिया साला कुकर, कुत्ते ने काट लिया। सोचिए नायक नायिका से मिलने के संघर्ष में लगा, कुत्ता काट गया अचानक। और खून हर 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 भाई, पता नहीं क्या है, मतलब हर हर बहुत तेजी से खून बहने लगा, खून हर हर बहिल। इसको रसाघात कहते हैं कि अच्छा वाला एक रस चल रहा था, बीच में कुत्ता काट गया कि अचानक, ये रसाघात साहित्य में कहलाते हैं। तो अगर आपने भोजपुरी का पहला रैप सॉन्ग नहीं सुना है, खाली पंजाबी रैप सुन रहे हैं, थोड़ा सुनिए भोजपुरी रैप नई नई बोलियों में, वरना पंजाब ने ठेका ले रखा है सारा पॉप म्यूजिक का। जो भी मॉडर्न म्यूजिक है सारा पंजाब से ही आता है, उड़ीसा से आज तक नहीं आया देखिए। तो अगर भोजपुर के खेसारी लाल जी ने पहला गीत गाया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी, कि सुने और सराहें, ठीक है? उसमें हर हर लाइन के बाद एक ही वाक्य आएगा, ठीक है। अब मैं जब भी ठीक है बोलता तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर खेसारीपन तो नहीं आ गया, क्योंकि इस वाक्य के बिना क्लास चल नहीं पाती, हर दो वाक्य में पूछना पड़ता ठीक है समझते। तो आप सुनिए, बड़ा मजा आएगा। हमारे घर में इस समय संगीत की भूमिका में वही गीत चल रहा है, तो दिन भर स्पीकर पे लगा रहता है हमारे घर में, मतलब हम संगीत के प्रेमी कुछ लोग, तो दिन भर ठीक है चलता रहता है। मुझे 2-4 दिन बड़ा अजीब सा लगा, मैंने क्या चला रखा है यार, ये हमारे बेटे को बड़ा पसंद है, मैंने क्या लगा रखा है सब। तो बोला भोजपुरी रैप आया है पहला, थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, आपको कुछ नहीं पता रहता है, सुना दो, सुन लेते हैं।